Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video we are going to discuss arsenic poisoning. Friends, मैंने FMT के बहुत सारे topics के ऊपर already lectures upload कर दिए हैं. अभी हमारा टॉक्सिकोलॉजी वाला पार्ट चल रहा है एंड दैट इज वाई द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज आर्सेनिक पॉइजनिंग. ठीक है फ्रेंड्स, अपकमिंग लेक्चर्स जो आने वाले हैं वो ओपियम पॉइजनिंग, धतूरा पॉइजनिंग, इन टॉपिक्स पे हैं. तो अगर आप चाहते हैं वो वीडियोस मिस ना हो तो प्लीज 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 इट विल टेक जस्ट अ सेकेंड, सब्सक्राइब टू मेडिक्योर बॉडी, हिट द बेल आइकन ताकि आप अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो. ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जो मेटालिक आर्सेनिक होता है दैट इज ब्लैक इन कलर. ठीक है, और वो पॉइजनस नहीं होता है. इट इज नॉट अब्सॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी, इट्स अ नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द एनिमल टिश्यूज. ठीक है, तो बेसिकली माइन्यूट अमाउंट में आर्सेनिक हम सबकी बॉडी में प्रेजेंट होता है. ठीक है, आर्सेनिक के क्या क्या कंपाउंड्स हैं? आर्सेनिक ऑक्साइड, ठीक है, ये एक कंपाउंड है. कॉपर आर्सेनाइट, दिस इज ऑल्सो अ कंपाउंड. सोडियम एंड पोटेशियम आर्सेनेट, आर्सेनिक सल्फाइड. ठीक है, एंड नेचुरल सोर्सेज ऑफ आर्सेनिक क्या क्या होते हैं? सॉइल, वाटर एंड सी फिशेस जैसे कि मसल्स एंड प्रॉन्स. ठीक है, तो बेसिकली आपको जब एग्जामिनेशन में आर्सेनिक पॉइजनिंग एक्सप्लेन करने के लिए आती है तो आपको इंट्रोडक्शन में आर्सेनिक के बारे में लिखना होगा. देन यू विल राइट द नेम्स ऑफ फ्यू ऑफ द टॉक्सिक कंपाउंड्स जो कि आर्सेनिक के हैं. सो दीज आर द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स जो कि आप अगर अभी नोट्स बना रहे हो तो आप उसे मेंशन कर सकते हो. ठीक है, नाउ हम आर्सेनिक के एक्शन की अगर बात करें तो आर्सेनिक जो है ये करता क्या है? ये सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है उसमें अनकपल कर देता है माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, विथ सल्फाइड्राइल ग्रुप्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स. और इसकी वजह से क्या होता है? कॉन्सिक्वेंटली द कन्वर्जन ऑफ पाइरूवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए इज डिक्रीज्ड, सिट्रिक एसिड साइकिल एक्टिविटी इज डिक्रीज्ड एंड द प्रोडक्शन ऑफ सेलुलर एटीपी इज डिक्रीज्ड. ठीक है, तो बेसिकली आर्सेनिक जो है ये सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ इंटरफियर करता है और ये डिक्रीज कर देता है प्रोडक्शन ऑफ सेलुलर एटीपी. ठीक है, इट इनहिबिट्स द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, फैटी एसिड ऑक्सीडाइजेशन एंड फर्दर प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए. इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी? ये प्रॉब्लम इफेक्ट करेगी म्यूकस मेम्ब्रेन को, वहां पर इरिटेशन कॉज होगी. ठीक है, और ये नर्वस सिस्टम का डिप्रेशन भी कॉज कर सकता है. अब आर्सेनिक क्योंकि एक कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है, सिंस लंग, स्किन एंड ब्लैडर में कार्सिनोमा भी कई पॉपुलेशन में ऑब्जर्व होते हैं आर्सेनिक की वजह से. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है दैट बेसल सेल कार्सिनोमा एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कार्सिनोमा जो कि लंग, स्किन और ब्लैडर से रिलेटेड हैं, वो आर्सेनिक की वजह से होते हैं. आर्सेनिक के अब्सॉर्प्शन और एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो ये जीआईटी, स्किन या फिर लंग्स से अब्सॉर्ब होता है. ठीक है, ये सारे टिश्यूज में प्रेजेंट होता है एंड सबसे ज्यादा क्वांटिटी में ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी इन लिवर, उसके बाद किडनी एंड स्प्लीन. ठीक है, ये एक्सक्रीट कहाँ से होता है? तो बेसिकली बाय किडनीज और कई बार फीसेस के फॉर्म में, बाइल के फॉर्म में, स्वेट, मिल्क, नेल्स एंड हेयर, यहाँ से भी इसका एक्सक्रीशन हो जाता है. ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? अब हमें डिस्कस करना है इसके साइंस एंड सिम्टम्स. तो बेसिकली अक्यूट पॉइजनिंग का अगर केस है तो सिम्टम्स सिर्फ 10 मिनट से 1 घंटे के अंदर अपीयर हो जाएंगे आफ्टर इंजेक्शन ऑफ आर्सेनिक. ठीक है, और कई बार ये चीजें डिलेड भी हो सकती है. अब सिम्टम्स यहाँ पे क्या मेंशन किए गए हैं? जीआईटी अगर पेशेंट का है तो उसे मेटालिक टेस्ट माउथ में फील होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, स्वॉलोइंग में डिफिकल्टी जैसे सिम्टम्स, बहुत ज्यादा प्यास लगना. ठीक है, और
इरिटेशन एनल रीजन में, क्योंकि बेसिकली जीआई ट्रैक्ट का इरिटेंट है आर्सेनिक, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, इसके पर्सन में जो स्टूल है वो रिजेंबल करता है राइस वाटर को। किडनी को ये इफेक्ट करेगी, ओलिग्यूरिया और यूरिनिया कॉज कर सकती है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हाइपोटेंशन कॉज करेगा आर्सेनिक, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, सर्कुलेटरी कोलैप्स जैसी कंडीशन में भी पेशेंट कई बार चला जाता है अगर उसका आर्सेनिक का इंटेक ज्यादा हो जाए तो। ठीक है, हिपैटिक लिवर में फैटी लिवर कॉज करेगा, लिम्स में पेन कॉज करेगा, पर्सन को हेडेक और वर्टिगो की प्रॉब्लम आ सकती है, और कई बार पर्सन में डिलेड लॉस ऑफ हेयर या फिर स्किन इरप्शन भी कॉज हो सकते हैं आर्सेनिक की वजह से। ठीक है, तो दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स दैट आर ऑब्जर्व्ड। नेक्स्ट इज 120 से 200 मिलीग्राम जो आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड का होता है वो अडल्ट के लिए फेटल डोज होता है, और बच्चों के लिए 2 मिलीग्राम पर केजी उनके वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, फेटल पीरियड की अगर हम बात करें तो इसका पर्सन अगर कोई आर्सेनिक पॉइजनिंग हो गई है उसको तो 1 to 2 days अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो फेटल पीरियड, अगर किसी ने फेटल डोज ले लिया है तो विदिन 1 to 2 days उसके सिम्टम्स वर्सन हो जाते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस में यूरिन जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन या फिर जो अमाउंट है वॉल्यूम वो काफी कम हो जाएगा। ठीक है, ब्लड में आपको सीरम आर्सेनिक बढ़ा हुआ मिलेगा, हेयर में आर्सेनिक की प्रेजेंस मिलेगी। ठीक है, ये भी पॉइजनिंग को इंडिकेट करेगा, नेल्स में भी इसका सजेस्टिव हो सकता है। ठीक है, हम एक्सरे करेंगे तो रेडियो ओपेक साइन मिलेगी हमें अबडोमिनल एक्सरे में। ठीक है, मूविंग ऑन, ये थे कुछ